अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिबा और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद साहिबा। आज मैं मौजूद हूँ कराची में और किसके घर मौजूद हूँ ये मैं आपको बताऊँगी तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी आने के लिए। पहले भी आए हैं और आज फिर आए हैं और मैंने कहा आपसे भी ये वीडियो शेयर कर ली जाए। मैं आई हूँ निदा यासिर और यासिर नवाज के घर, जो हमारे बहुत प्यारे भाई बहन हैं। चलते हैं, देखते हैं अंदर किधर हैं वो लोग, वहाँ पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? मैं भाई आपसे तो ऐसे नहीं मिल सकती ना। नहीं, मैं तो बनने से हो रहा है ड्रॉप करूंगा, ये एक्स्ट्रा खड़े होते पीछे तो मैं भी तो हूं यहां पे। भाई मेरा अच्छा लग रहा है, ये देखना स्टाइल है आपको, दुपट्टा अपनी छड़ी कैसी है जालियों वाली। आपसे बात आए हैं ये भाभी की वो तस्वीर है जो मैंने आज देखा। ये बहुत अच्छी तस्वीर है। ये वो जगह है जहाँ पे यासिर ने भाभी को गुलाब दिया था। उसको याद है पता भाई? ये वो तस्वीर है जो हम कहाँ गए थे भाई, थाईलैंड? नहीं, थाईलैंड तो आप अकेले जाते हैं। ये थाईलैंड में चला जाता हूँ रोजी। और ये आप शीशा देख रहे हैं, इसके अंदर भी चीजें हैं। ये मेरा वो रूम है जहाँ मैं अपनी चारों फिल्में, ये रूम गंदा इसलिए हो रहा है कि यासिर का रूम है। मैं चारों फिल्में यहीं बैठ के लिखी है, खुद भी राइटर भी, पूरी टीम हमारी यहाँ बैठती थी। ऐसे बैठ के फिल्म लिखी है। लाइट इसकी फ्यूज हुई है, क्योंकि जिस तरह वाली सिनेमा फिल्में फ्यूज हुई है ना, ये रूम भी फ्यूज हुआ अपना। अभी अभी इंशाल्लाह वो क्या लिखा हुआ गिरा हुआ है, शूट फिल्म नॉट गन्स। ये सब चीजें अभी टेढ़ी मेढ़ी हुई है क्योंकि अभी बस इंशाल्लाह नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से फिल्म नहीं बनी है तो ये कमरा भी उजाड़ हुआ है, इसका रंग भी फेड हो गया हमारे सोफे के। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट फिल्म बनेगी तो सब ये कमरा सेट हो जाएगा, फिर यहाँ की रौनक लगेगी। और जो हमारी मासियां हैं, जो हेल्पर्स हैं हमारी, वो उनकी चाय बन रही होगी। ये वेस्पा पे लड़के लड़की बैठे हुए प्यार भरी बातें कर रहे हैं, पीछे वो है बैरियर टाउन। चले चले। अच्छा, मुझे जो इनका सबसे अच्छा लगता है ना, वो इनका किचन बहुत प्यारा है। ये निदा ने डिजाइन किया है, ये मैं अब तो तुम बोल सकती हो कैसे डिजाइन किया। हां से डिजाइन किया मैं, मतलब ये मैं अपने सेट भी खुद ही डिजाइन करती हूं। आज मैं मॉर्निंग शो के सेट पे लाइट तो खोलूंगी। लाइट कहां है? हां हां, ये तो हमें पता है कि मॉर्निंग शो के जो सेट्स है ना, शो में बहुत कम, शो में बजट होता है हमारे पास, बजट तो होता है लेकिन हम फिल्म को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी चीजें लेकर आते हैं। और शो के जाहिर है अपना एक सेट का बजट होता है तो वो हम खरीदते हैं चीजें कहीं, और वहाँ पे भी मैं पैसे बचाती हूँ।
और डिजाइनिंग भी करती हैं, तो अपने शो में अपने ड्रेसेस पहन रही होती हैं वहां पर, और बाकायदा कोर्स किया है। नहीं, मेरा डिजाइनिंग के लिए इंटरनेट यूज किया गया। ये कैमरा इधर है उधर, क्या मतलब किससे बोल रहे हो? मेरा नहीं, बता रहा हूं मैं, देखिए मेरा ने चूज किया ये, और ये अंदर से मेरे सी थ्रू है मेरे लिए, मुझे टी-शर्ट पहनना जरूरी है मेरे लिए, नहीं तो मैं बड़ा वल्गर हो जाऊंगा। ये तो बगैर टी-शर्ट के पहने तो मैंने कहा नहीं आ से। बगैर टी-शर्ट पहनी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठंडी हवाएं आ रही हैं अंदर, तो मैं शर्ट चेंज किया, मेरा शर्ट जरूरी है, तो नहीं मिल जाती। दानिश किधर चला गया? हमारी शादी की तस्वीर, कितना क्यूट और पप्पू बच्चा था इसमें, और निदा भी प्यारी थी, इस क्यूटनेस के बाद आप ये देखें गबरू जवान, ये देखें ना, और ये मुख्तलिफ तस्वीरें हमारी हैं, मुख्तलिफ यादगारें हैं, और फैमिली के साथ है। मजे की बात जो फोरम है आशा के साथ बराबर में एक शॉपिंग सेंटर है, उसकी स्टूडियो में खींची थी, नया नया खुला था, स्टूडियो में खींची थी, नहीं वो बहुत दूर है, मास्टर बन रहा होता है, डिजाइन किया मजाक क्या बात है, वहाँ लाइट सीखी होंगी कुछ, जबरदस्त। और यहाँ शूट भी हो रहा है, शूट हो रही है, वरना अगर आप इस तरफ आएंगे तो आपको दीवार नजर आएगी एक, जहाँ पूरी दुनिया से पेंटिंग्स इकट्ठा करके एक वॉल बनाई है, तो इसलिए यासिर उसको अच्छा पूरी दुनिया से पेंटिंग्स इकट्ठी की है। ये किसका शौक है पेंटिंग्स का? मतलब लाइक शौक तो सबका ही है, स्वीनियर के तौर पे ले आते हैं आप लोग जहाँ जहाँ जाते हैं आप लोग, तो इस वॉल की वजह से यासिर कहते हैं मॉर्निंग शो का सेट लग रहा है तुम्हारे, दाढ़ी भर दी है पेंटिंग। और ये निदा ने मुझसे पूछ पूछ डिजाइन किया। अच्छा नहीं, अब मेरा ख्याल अच्छा लग रहा है तो शायद इसलिए कह रहे हैं मुझसे। असल में तस्वीरें टेढ़ी हुई है क्योंकि उनको सफाई करने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता है, बिजी लोग हैं भाई, दस बारह दिन घर बंद, 10-12 दिन घर बंद रहा, मैं तो 20 दिन रहा, 10 दिन रही, डीप क्लीनिंग नहीं हुई क्योंकि ईद पर होती है डीप क्लीनिंग और हम थे। अच्छा ये बताएं कि घूमने फिरने का शौक किसका है? निदा का, मेरा नहीं था शौक, मुझे तो बाहर घूमने जाऊं मुझे होटल में ठहरा दे, आप उसमें सारा दिन होटल बैठा रहूं। यासिर को जिंदगी में अगर बस एक घर में बंद कर दो ये जिंदगी गुजार लेंगे, खाना पानी और जो ये क्या कहते हैं इनकी जरूरत की चीजें वो मिल जाएं, इनको जरूरत नहीं है। दुबई एयरपोर्ट से मैं आ रहा था तो एंड में कुछ पैसे बच जाते हैं, आप धर्म शर्म बच गए थे हमारे, तो मुझे एक बंदा नजर आया, मुझे ऐसा लग रहा है यार, तो मैं उठा के ले आया, ये देख रहे हैं आप, तो मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, ले आता हूँ ये ये मैं उठा के ले आया। अच्छा अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ ना वो करने लगी हूँ, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमें तो आप भोजन साफ करेंगी, कोई सफाई सफाई करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह कैमरे के पीछे पहले मैं था, मैं बोला नहीं, और मैंने कहा इनको बोलने दें, अब वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने शो की, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ क्या हो रहा है। आज मेरी दोनों भाभियाँ एक साथ आई। क्या बात। अरे यासिर भाभी, यासिर जो है ना 12 महीने डाइट पे रहता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मेहमान को अंदर नहीं आने दोगे? अरे छोड़े मेहमान क्या, घर जैसी बात है। चलो बाहर करवा, आ जाओ यार, आओ दोस्तों, कोई बात नहीं, जो दिल करता है इस शो में, ये जो दिल करता है इनका वो करते हैं। अब बाहर चले गए, पड़ोस में खाना ज्यादा अच्छा बना। ये इनके चैनल पे लगता है, तो आप इतनी खूबसूरत और उस पे आप देखेंगे फिर रेम्बो भाई। सॉरी यार मैं ऐसे मजाक कर रहा था,
आप बेस्ट है। और किचन में ला दी कड़ा की पीछे इसका वजह है, चाहे कोई फिल्म एक्ट्रेस या कुछ हो, एंड हमारा किचन ही है। नहीं एंड नहीं, किचन बीच का छोटा सा हिस्सा भाई मियां दा जोड़ा पाही पर आई अंदर जो रंग कभी नहीं पाया उन पाके में पछताया अजकल दा जोड़ा ले यार साइबर मुझे बताएं सच्ची बात। पहले ड्रामा कौन सा है? नहीं नहीं मैं रहा हूं आप क्या मुझे बोले? अच्छा नहीं होगा साइबर जी, दूरंदेश कितनी है भाभी, बात कितनी अच्छी है ये क्या कि देखे ना, एक आदमी लोग देखते हैं चीज देख के पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने दिल देखा यानी अंदर कि एक कितना आदमी दिल का कितना अच्छा है। यानी से आप कितनी खुशनसीब है, माशाल्लाह शादी कितने साल हो गए, दो बच्चे हो गए, लेकिन देखे आज तक आपसे शादी का ही पूछा जाता है। क्यों लोगों को यकीन नहीं आ रहा आप लोगों की शादी का, ये कैसे हो गई? जैसे फिल्म सुपरहिट होती है ना, ब्लॉकबस्टर होती है, जैसे आप लोगों की शादी हिट हो गई इसी वजह से, माशाल्लाह छोटा छोटा नौजवान थे आपको चाय डाल के देते होंगे, साहिबा जी चाय, अच्छा आप क्या खाएंगे, मैं अभी लेके आता हूँ, ये सब करते होंगे ना आप मोहब्बत में। आपने देखा नहीं आस पास यार कोई लड़की लिस्ट नहीं करा रही, तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि यार ये मैं ही क्यों, या उन्होंने आपको अपने प्यार में ऐसा फंसाया कि आपने बोला नहीं यार यही है मेरी जिंदगी का राइट चॉइस। इंसान को सफर में देखा जाए, हाँ बेशक ट्रैवलिंग में दो होती थी एक एक महीने की जी, तो एक दूसरे की आदत का पता चल जाता था, तो वो अच्छी लगी मुझे। यस। और उनके जो आंखों में और उनकी बातों में ऐसा उलझा दिया इसमें कोई शक नहीं, रेमो भाई बहुत अच्छी सीरियस, मैंने उनका काम भी किया है, सफर भी किया है, बस शादी नहीं की। आपको पता है कि कुछ वजूहात थी, हालात भी नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मेहमान नवाजी का, इतना अच्छा केक खिलाने का, बस अच्छी और बुरी बातें कर, बुरी बातें हमारे पिक्चर बना ले, हाय पिक्चर बना ले, आज क्या बनाई नहीं यार, नहीं बनी तेरा की, मजे की नहीं बनी। कौन सी की बातें मैं सुन रहा था, मैं कैमरे के पीछे ही था तो मैं कह रही हूं, और मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बात काटनी है, कौन सी लगानी है। उसने बहुत मजे किए, हां हम भी खाए, मतलब ऐसा नहीं खाया, किधर छोड़ किधर, नाना चाहो यस फ्रूट है, फ्रूट है, फ्रूट केक। अरे ये इसे किसी ने माचो जी, बहुत मजे का खाना था, बड़ा मजेदार खाना खाया है हमेशा की तरह, आज भी जल्दी वाला खाना था ये, क्योंकि शूट हो रहा है शूट हो किचन में, तो फिर हमने और जो इनके साथ भी इनके चैनल पे शो किया है वो बहुत मजे का हुआ है, बहुत अच्छी है ये तो। हमेशा आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और ही ज्यादा प्यार हो जाता है हमेशा, अल्लाह करे इसी तरह हम लोग की दोस्ती बरकरार है, और अल्लाह ताला आपके घर में और बरकत दे और सेहत वाली जिंदगी आप सब लोगों को दे, माशाल्लाह माशाल्लाह करती हूँ आपकी फैमिली के लिए। चलें जी आज रात हो गई, आ जाओ जी, आपसे इजाजत लेते हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइफस्टाइल साहिबा अलाउ।